छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में फोन पर ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। कुनकुरी शहर की एक महिला ने पुलिस को इसकी शिकायत की और थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने महिला के शौहर इश्तियाक आलम के खिलाफ मुस्लिम विवाह एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। दरअसल ये मामला 2007 में कुनकुरी शहर की मुस्लिम युवती का निकाह झारखंड के बालूमाज शहर के युवा इश्तियाक आलम के साथ हुआ था। निकाह के बाद जब 2-3 साल तक युवती बे औलाद रही तो शौहर इश्तियाक अपनी बीवी के साथ गाहे बगाहे झगड़ा करने लगा। जब पीड़िता 3 अक्टूबर 2021 को अपने मायके आ गई, 19 अक्टूबर 2021 को शौहर ने फोन पर बात की और कहा कि तुम्हें मैं तलाक देता हूं और 3 बार तलाक 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 कहकर फोन काट दिया। शौहर के इस बात की तस्दीक करने जब पीड़िता बीबी अपने भाई के साथ ससुराल गई तो वहां उसके साथ बुरा सलूक किया जाने लगा। शौहर बीबी से बात करना बंद कर दिया। वहीं बीबी को पता चला कि उसने किसी और लड़की से निकाह भी कर लिया है। इसके बाद थक हार कर पीड़िता मायके आ गई। 17 मई को पीड़िता ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ट्रिपल तलाक कानून के तहत FIR दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। जसपुर से मामला आया है। पीड़िता थाना कुनकुरी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका विवाह वर्ष 2007 में लातेहार बालूमाज झारखंड में हुआ था एवं पीड़िता का बच्चा नहीं होने की वजह से उसके ससुर एवं पति के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस पर से कुछ दिनों के लिए पीड़िता कुनकुरी आ गई थी और उसके पश्चात अपने पति को फोन करके बोली कि मेरे को लेने आइए, परंतु पति के साथ वाद विवाद हो जाने पर पति के द्वारा फोन पर ही 3 बार तलाक 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 कह दिया गया एवं आज के बाद तुमको मैं अपनी पत्नी मानने से इनकार करता हूँ कहा गया। बाद में पीड़िता के परिजनों के द्वारा पीड़िता को उसके ससुराल छोड़ा गया, जहां पर पीड़िता के साथ किसी प्रकार का कोई उचित व्यवहार नहीं किया गया और बताया गया कि तुमको फोन से तलाक दे दिया गया है फिर भी तुम क्यों आई हो कहा गया एवं पीड़िता का पति दूसरा विवाह कर लेने की भी पीड़िता के द्वारा यह बताया गया है, जिस पर से थाना कुनकुरी में मुस्लिम विवाह प्रोटेक्शन अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 के अंतर्गत अपराध संजीवित कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये नीतीश कुमार, CG Vision TV।